हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुलाब सिंह केवड़ फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने टेक्निकल केवड़ जी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऑक्टेपेक्स का कंप्लीट रिव्यू देने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं ऑक्टेपेक्स को किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑक्टेपेक्स में किस तरीके से आप ट्रेड प्लेस करेंगे, किस तरीके से आपको एंट्री करना है, किस तरीके से एग्जिट करना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानने वाले। तो वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, ठीक है। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज आपको प्ले स्टोर पर जाकर ऑक्टेपेक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी जिस पर जाकर भी आप ऑक्टेपेक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद गाइज आपको यहां से ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड छोटी सी प्रोसेस है, आप सारी चीज़ों को फिलअप करेंगे तो आप वहां से लॉगिन कर पाएंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाए, ठीक है। यहां पे गाइज आपका ऊपर नाम देखेगा, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल को भी यहाँ पर अपडेट कर, यहाँ पर गाइज अगर आप रियल अकाउंट यहाँ पर खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका जो भी आईडी है उसको वेरीफाई कराना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वेरीफाइड आपको नज़र आ रहा, तो जैसे ही आपका वेरीफाइड हो जाएगा तो यहाँ पे आप वेरीफाइड लिखा आ जाएगा। इस तरीके से नीचे आएंगे आप तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यूअर ट्रेडिंग अकाउंट बोनस आपको देखने को मिल जाए, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र आप यहाँ पे देख पाएंगे, ट्रांसफ़र हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है गाइज। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे इंस्टेंट लाइव चैट कर मदद ले सकते हैं, ठीक है। अब गाइज चलिए समझते हैं किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे आप यूअर अकाउंट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको यूअर अकाउंट के ऊपर ही क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप यूअर अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइज आपको इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, रियल, डेमो एंड कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप रियल में जाना चाहते हो तो रियल से भी ट्रेड कर सकते हैं, डेमो से करना चाहें तो डेमो से भी कर सकते हैं। गाइस चलिए हम डेमो से आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे गाइस आपको फिर दो ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपका जो डेमो का अकाउंट है उसको आप टॉपअप करना चाहते हैं यानी और भी बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टॉपअप का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। जैसे आप टॉपअप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टॉपअप अमाउंट जो भी आप डालना चाहें, जैसे 1000, 3000, 2000, 5000 जो भी आप डालना चाहें वो आप यहाँ से डाल के और यहाँ पर प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 5071 यहाँ पे आपको $5,071 यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक हो। तो इस तरीके से जो भी आप अमाउंट यहाँ डालेंगे वो यहाँ पे शो करने लगेगा। इसके बाद गाइस आप ट्रेडिंग के ऊपर जाएंगे, ट्रेडिंग के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे गाइस आपको सिलेक्ट प्लेटफार्म, दो प्लेटफार्म मिल जाएंगे। आप चाहें ऑक्टेपेक्स के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं या फिर MetaTrader 4, ठीक है। तो आप MetaTrader 4 को भी इंस्टॉल कर लें, ठीक है। MetaTrader 4 का जो आपका अकाउंट है वो ऑक्टेपेक्स से ही कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज हम ऑक्टेपेक्स को ऊपर ट्रेड करने वाले हैं। तो जैसे ही हम ऑक्टेपेक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ऑल यानी ऑल करेंसी पेयर आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे करेंसी पेयर हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे फेवरिस्ट में जाएंगे यानी और भी आप ऐड करना चाहते हो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आगे जाएंगे आप, आगे देखेंगे तो फॉरेक्स के जो भी करेंसी पेयर हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप करप्टो के ऊपर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे करप्टो के जो भी तीन पेयर आपको देखने को मिल जाएंगे, इनके ऊपर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए गाइस हम ऑल के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे बहुत सारे करेंसी पेयर हमें देखने को मिल जाएंगे। ऊपर जैसे आप देख पाएंगे तो यहाँ पर यूरो USD का पेयर आपको नज़र आएगा, ठीक है। नीचे आप देखेंगे USD JPY नज़र आएगा। किसी भी पेयर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपके सामने
खुलकर आ जाएगा। अब क्या करना गाइस, आपको अगर यहाँ से आप ट्रेड को प्लेस करना चाहें तो आपको यहाँ दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला आप देख पा रहे होंगे सेल, एंड दूसरा देखेंगे आप बाय। ठीक है, चाहेंगे कि भाई अभी जो प्राइस है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहता है तो आप यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है, सेल कर सकते हैं। बाय करना चाहें तो यह ग्रीन के ऑप्शन पर दबाकर आप यहाँ से बाय बीबीपी USD पेयर को यहाँ से सेल करना चाहेंगे। ठीक है, लेकिन सेल करने से पहले गाइज आपको एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको एक लॉट साइज नज़र आएगी। ठीक है, आप देख पाएंगे यहाँ पे लॉट्स नज़र आ रहा होगा। ठीक है, लॉट्स का मतलब है कितनी क्वांटिटी में आप इसको बाय करना चाहते हैं या फिर सेल करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से क्वांटिटी मिनिमम गाइज यहाँ पे आप 0.01 रख सकते हैं। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपली आप प्लस के निशान पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे गाइज आपकी जो लॉट साइज है वो यहाँ से बढ़ रही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से अभी हम हमारी जो लॉट साइज है 0.20 हमने यहाँ पर रख ली है। ठीक है, लेकिन अगर आप रियल अकाउंट में या आपका छोटा सा रियल अकाउंट है तो आप गाइज स्टार्टिंग में 0.01 ही यूज करें। ठीक है, 0.01 बेहतर रहता है। तो समझने के लिए मैं भी आपको 0.01 करके ही दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी हालांकि ये हमारा डेमो अकाउंट है, हम 0.20 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम 0.01 ही सिलेक्ट करने वाले हैं। तो आप देखेंगे गाइज यहाँ पे लॉट साइज 0.01 हमने यूज कर ली है और यहाँ पे जो हमारी ट्रेड है इस ट्रेड को हम सेल करना चाहते हैं। तो सेल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रेड यहाँ से प्लेस हो जाएगी। जैसे कि अभी देखेंगे, अभी थोड़ा सा कुछ सेकंड यहाँ पे लगते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस यहाँ पे जो हमारी ट्रेड, हमने जो सेल डायरेक्शन में हमारी ट्रेड को प्लेस किया था, हमारी ट्रेड प्लेस हो चुकी है। और यहाँ पे गाइस आपके लिए अब कुछ टाइम फ्रेम भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइम फ्रेम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे गाइज आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। जैसे आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे 1 मिनट हो चुका है, 1 मिनट पहले हमने हमारी ट्रेड को प्लेस किया था, देखिए आप सेल डायरेक्शन में, तो यहाँ से हमारा जो है प्रॉफिट यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम को भी आप सेट कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए आप, हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम कुछ इस तरीके से सिलेक्ट किया है, तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम को देखकर हमने हमारी ट्रेड को प्लेस किया था, तो आप देखेंगे गाइस यहाँ से 15 मिनट का टाइम फ्रेम कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है, 30 मिनट एंड 1 आवर। ठीक है, आगे चाहें तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं एंड 1 आवर का भी देख सकते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पर जो आपको एरो का निशान दिख रहा है, ठीक है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑल करेंसी पेयर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके जस्ट आगे आपको बॉक्स जैसा नज़र आएगा, जो 1 आपको नज़र आ रहा है। जैसे आप बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी ट्रेड आपने प्लेस कर रखी है, जैसे अभी आपने GBP USD के ऊपर जो आपने ट्रेड ली है, ठीक है, आप देख सकते हैं आपकी लॉट साइज 0.01। ठीक है, यहाँ से 0.5355 के आसपास अभी आपका यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप गाइस आपकी ट्रेड को यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप इस ट्रेड को क्लोज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे ये जो कैंसिल का निशान है इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा क्लोज। ठीक है, अभी क्लोज में आप देखेंगे यहाँ पे अभी प्रॉफिट दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपका प्लस 0.57 यहाँ से आपका प्रॉफिट है। ठीक है, अगर माइनस में चलता तो यहाँ पे आपको माइनस 0. या फिर 1.57 जो भी रहता, जैसे अभी देख पाएंगे आप 0.56 के आसपास यहाँ से दिखा रहा, तो यहाँ से आप इस ट्रेड को क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी हम क्लोज नहीं करेंगे इस ट्रेड को, अभी करेंगे थोड़ा और समझ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद गाइस यहाँ पे आप जाएंगे इस बॉक्स के ऊपर, तो यहाँ पे आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो हिस्ट्री है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, जितना भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस किया है वो सब कुछ आपको इस हिस्ट्री में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे, ठीक है, जो आपको चार्ट जैसा नज़र आ रहा है इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको चार्ट विजिबल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे गलती से एक और ट्रेड हमारी प्लेस हो चुकी है। ठीक है, अभी चार्ट पे गलती से यहाँ से हमारी ट्रेड एक और प्लेस हो चुकी है। चलिए कोई बात नहीं गाइस, तो चलिए हम बात कर रहे थे यहाँ से, जैसे कि आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना है,
ठीक है, तो आप किस तरीके से लगाएंगे, चलिए हम इस ट्रेड में ही आपको लगा के दिखाते हैं। जैसे ही आप पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मॉडिफाई सेल ऑर्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम आपको स्टॉप लॉस लगा कर दिखाते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस गाइज यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉफिट माइनस, ठीक है, -0.20। अगर आप यहाँ पर इसको मॉडिफाई करते हैं तो आपका यहाँ पर 20 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो गाइस सिंपली यहाँ से बढ़ा सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए तो हम इसको 20 ही रहने देते हैं। ठीक है, हमारा जो लॉस है वो 20 पॉइंट का ही रहने देंगे। और यहाँ पर टेक प्रॉफिट कितना लगाना चाहते हैं आप। ठीक है, तो टेक प्रॉफिट में आप देखेंगे गाइस यहाँ पर 0.20। ठीक है, यानी 20 पॉइंट को अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो इधर बढ़ेगा ये, क्योंकि हमने सेल लगाया है इसलिए। ठीक है, इस तरफ जैसे ही आप माइनस जाएंगे तो यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 30 की जगह कर देते हैं। ठीक है, हमारा जो स्टॉप लॉस है देखेंगे आप 20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है एंड टेक प्रॉफिट है 30 पॉइंट का। ठीक है, तो इसको कर देते हैं गाइस मॉडिफाई। तो देखिए गाइस, हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे हमारे टारगेट एंड स्टॉप लॉस को भी मॉडिफाई कर दिया है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप बहुत आसानी के साथ ऑक्टा एफएक्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट लगाना बहुत आसान होता है। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। गाइस, थोड़ा भी नॉलेज आपको मिला है तो यार वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।